नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि कैलिस्थेनिक्स क्या होती है। मैं सिर्फ एक अंदाज़ा देने के लिए आपको बता रहा हूँ कि कैलिस्थेनिक्स क्या होती है। कैलिस्थेनिक्स कुछ इस तरीके की कसरत समझ लो जो अपने शरीर के बाहर से करते हो, मतलब जिसमें आप कोई ज़्यादा इधर उधर के कोई इक्विपमेंट नहीं काम लेते, कोई ज़्यादा चीज़ें काम नहीं लेते, कम से कम काम लेते हो। जैसे जिम में अगर हम जाते हैं तो हम मशीनें काम लेते हैं, हम डंबल काम लेते हैं, हम रॉड काम लेते हैं। कैलिस्थेनिक्स में लगभग सब आप अपने शरीर से ही लेते हो। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे आपने कोई पार्क में कोई खंभा है वो काम ले लिया, मतलब जो चीज़ें हैं, या फिर एक रस्सी कूदने वाली रस्सी काम ले ली, बस। तो इस तरीके से कैलिस्थेनिक्स लोग कई चीज़ों के लिए काम लेते हैं, अपनी शरीर की फिटनेस के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, स्ट्रेचिंग होती है इसमें, अपनी बॉडी में मसल बढ़ाने के लिए, मसल गेन करने के लिए, अपनी जो उनकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है, जो कि उनकी हार्ट हेल्थ है जिसके बारे में मैंने पहले बात किया है वीडियो में डिटेल में, उसको बढ़ाने के लिए, मतलब अपना स्टैमिना बढ़ाने के लिए। कैलिस्थेनिक्स के बारे में आप ऐसा समझ लो, कैलिस्थेनिक्स काफ़ी बार एक लय में भी करी जाती है, मतलब एक रिदम में करी जाती है, पर मेन कैलिस्थेनिक्स कार्डियो और वेट ट्रेनिंग, जिस पे मैं आगे आने वाला वीडियो बनाऊंगा, इनमें मेन डिफरेंस ये है कि कार्डियो मैंने आपको बता दिया वो आपकी हार्ट हेल्थ स्टेमिना के लिए होती है। कैलिस्थेनिक्स होती है मेन जो खुद के बॉडी वेट से की जाती है, मतलब आपके जो शरीर का भार है उसी को काम लेके आप कर रहे हो। जैसे हमने दंड लगा लिए खड़े होकर के, अपनी शरीर के भार से उठक बैठक कर ली इस तरीके से। और जो वेट ट्रेनिंग होती है उसके बारे में आपको बताऊँ, मेन ये शब्द आपको इंटरनेट पे मिलेंगे तो आप कन्फ्यूज हो सकते हो क्या फ़र्क है, इसलिए मैंने समझाने के लिए वीडियो बनाया कि यही मेन डिफरेंस है कि कैलिस्थेनिक्स में आप कोई ज़्यादा इक्विपमेंट काम नहीं लेते भाई, आप अपने शरीर के भार से लगभग सारी एक्सरसाइज करते हो। लोगे तो एकदम कम से कम लोगे, जैसे रस्सी कूदने वाली वो रस्सियाँ हो गई जिससे हम रस्सी कूदते हैं, या कोई खंभा हो गया, कोई दीवार हो गई इस तरीके से, ज़मीन हो गई ऐसे। तो अगर बस इतना ही बताना चाहता था, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करना। अगले वीडियो में मिलूंगा, बाय बाय।